हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग CBSE 12th अकाउंटेंसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे। सम नंबर 24 प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन किया है, आज उसके और में जो हमें क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सम नंबर 24, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक से क्या कर लोगे, आप PDF डाउनलोड कर लोगे अपना सैम्पल क्वेश्चन पेपर और वहाँ से आप स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू PQR वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, हमारे पास पार्टनर्स है PQR और वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। आफ्टर दिस ऑन 31st of March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको गिवन है। आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू क्यू रिटायर्ड द अबव मैंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्यू जो है आपका वो रिटायर हो जाता है, कुछ टर्म्स गिवन है, इट मीन्स ये आपका रिटायरमेंट के चैप्टर से क्वेश्चन है। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट दिस, सम अमाउंट ऑफ मनी यू हैव पेड टू क्यू इमीडिएटली एंड रिमेनिंग यू आर गोइंग टू पे हिम थ्रू अ लोन अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स। कुछ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैंने फुली इसको अच्छे से रीड नहीं किया अभी, कि अभी जैसे मैं क्वेश्चन करूँगी तो वैसे मैं रीड करती चली जाऊँगी। मुझे प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रिपेयर करती हूँ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे प्रिपेयर करना है, लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ सम नंबर 24, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल होता है नेचर में। नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेंस। जो भी आपको इनकम्स होंगे, जो भी आपको गेंस होंगे उनको आप क्रेडिट करोगे और जो भी आपको लॉसेस हो रहे हैं उनको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन रुपीज, रुपीज। ओके, दिस इज आवर फॉर्मेट। व्हाट इज गिवन टू मी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। ओके, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 7000। बाय मतलब 7000 से बिल्डिंग की वैल्यू में क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है। बाय बिल्डिंग इट विल बी रुपीज 7000। नेक्स्ट इज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे अगर मुझे डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है तो मेरा क्या होगा, वो लॉस होगा, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और डेटर्स मुझे 8000 के गिवन है, पहले कोई प्रोविजन नहीं है, तो अब मैं प्रोविजन बना दूंगी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कितने का प्रोविजन बनाना है, 8000 के डेटर्स हैं और उस पर 5% ऑफ 8000 विल बी 400 रुपीज़ का हमारा क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू गुडविल पेमेंट एंड कैपिटल। तो हमारे पास जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की सिर्फ यही ट्रांजेक्शन है, तो रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 7000 तो मेरे पास क्या आ रहा है प्रॉफिट साइड में, और 400 मेरे पास क्या आ रहा है लॉस साइड में। 7000 माइनस 400, 6600 मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में जाता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। वी आर हैविंग द पार्टनर पी क्यू एंड आर, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ योर पार्टनर्स आर 3:2:1। तो जो 6600 का आपके पास प्रॉफिट है उसको आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे, 3:2:1 में डिवाइड करोगे, तो वो आपका कितना आएगा, 3300A, 2200B एंड 1100C। टोटल आपके पास कितना आ गया, 6600, एंड द टोटल ऑफ बोथ साइड्स विल बी 7000 एंड 7000। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका कंप्लीट हो गया। आफ्टर दिस वी आर हैविंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स पी क्यू एंड आर। ओके, पार्टिकुलर्स, देन पी क्यू एंड आर, अगेन पार्टिकुलर्स
पी क्यू आर. दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड. एज यूजुअल दिस इज डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट, दिस इज क्रेडिट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट. नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग अवर पार्टनर्स कैपिटल. बैलेंस लिखेंगे हम लोग इनका, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रोट डाउन. ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी इज 15,000, क्यू इज ऑल्सो हैविंग द बैलेंस ऑफ 10,000 एंड आर इज ऑल्सो हैविंग द बैलेंस ऑफ 10,000. नेक्स्ट स्टेप इज दिस प्रॉफिट ट्रांसफर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज देयर प्रॉफिट 3,300 फॉर पी, 2,200 for Q and 1,100 for R. After this, do we have some reserve or something in our liability side? No. No reserve is there. But we are having profit and loss account on asset sides. तो asset side में कभी भी आपके पास profit and loss account होता है तो वो आपका loss होता है. अगर आपके पास profit and loss account credit balance है, मतलब अगर आपका liability side given है तो वो profit होता है, और अगर P&L आपका debit side given है तो वो आपका loss होगा. तो partners के capital account आप क्या करोगे, debit करोगे. तो debit side record करेंगे to profit and loss account. और हमारे पास कितना प्रॉफिट लॉस है उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वी आर हैविंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 1200 का लॉस है. 3-2-1 में आप क्या कर दोगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो कितना आएगा, 600, 400 एंड 200. 3-2-1. ओके. आफ्टर दिस वी आर हैविंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू आवर गुडविल. तो गुडविल के बारे में देखो क्या बोला है स्पेसिफिक क्वेश्चन में. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000 की गुडविल है फर्म की, एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल. एडजस्टमेंट करने के लिए आपको गुडविल रेज करनी है और राइट ऑफ करनी है. तो जब आपको गुडविल रेज करनी है ना, रेज करने का मतलब होता है आप सेल्फ परचेज, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करनी होती है, एंट्रीज आपकी क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिटेड. गुडविल आपकी एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे जब गुडविल रेज होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. तो आप जर्नल एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे बाय गुडविल अकाउंट. जर्नल होगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट. और फर्म की गुडविल मुझे गिवन है कितनी, 18,000 मेरे फर्म की गुडविल है. तो 18,000 को 3-2-1 में आप करोगे तो वो आपके पास कितनी आएगी, 9,000, 6,000 एंड 3,000. ये आपकी गुडविल रेज की एंट्री होगी. फिर गुडविल रिटर्न ऑफ भी आपको करनी है. तो रिटर्न ऑफ की जो एंट्रीज होती हैं वो आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं सिर्फ उनके अकाउंट में होती है, और राइट ऑफ करते हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, और जो गुडविल अकाउंट है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की ये डेबिट साइड है. तो इस साइड आप गुडविल को क्या करोगे, यहाँ पे आपने गुडविल रेज की है और यहाँ आप गुडविल की राइट ऑफ की एंट्री करोगे. तो जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसके अकाउंट में कोई एंट्री इसकी रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं पी एंड आर, सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट्स में आपको क्या करनी है, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है. तो हमारी अमाउंट कितनी है, 18,000. और पी और आर की रेशियो की मैं बात करूं तो मेरे पास जो रेशियो गिवन है वो कितनी गिवन है, 3:2:1. और क्यों चला गया, तो क्यों कौन सा, बीच में. तो आप 2 को एलिमिनेट कर दोगे तो पी और आर की रेशियो क्या रह जाएगी, 3:1. जैसे हम लोग करते भी, आपने बहुत बार देखा होगा, मैं यहाँ रफली लिख रही हूँ. वी आर हैविंग द पार्टनर्स पी क्यू आर, देयर रेशियो इज 3:2:1. और हमारा पार्टनर कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है, तो क्यों को आप एलिमिनेट कर दो, पार्टनर्स रह गए पी और आर, और रेशियो क्या रह गए, 3:1. तो 3:1 में आप गुडविल को राइट ऑफ करोगे. कौन राइट ऑफ करेंगे, पी और आर राइट ऑफ करेंगे. तो 18,000 को 3:1, 3+1=4, 18,000 डिवाइडेड बाई 4, 4,500. और 4,500 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे पी का शेयर निकालने के लिए, इट कम्स आउट टू बी 13,500. क्यू का कोई शेयर नहीं होगा और आर का कितना होगा, 4,500 होगा. 3:1 में 18,000 को क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये आपकी गुडविल की एंट्रीज होंगी.
After this, we are having 2800 is to be paid to Q immediately. Okay, if you are paying to Q, to bank. We are paying to whom? To Q. So, Q ke column mein aap likhoge 2800. Okay, and remaining we are transferring to his loan account. To Q's loan account. बाकी आप उसके लोन अकाउंट में डाल दो तो क्यू का अगर बैलेंस में करूं तो इट कम्स आउट टू बी 10,000 12 6 18 18,200 ओके ऑन दिस साइड जो है वो आप माइनस करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3,200 टोटल 18,200 माइनस 3,200 इट कम्स आउट टू बी 15,000 तो क्यू का लोन कितना हो जाएगा आपके पास 15,000 विल बी द अमाउंट ऑफ लोन ऑफ योर क्यू. अब बात करते हैं पी और आर की. तो पी और आर में क्या बोला है कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो अपने कैपिटल अकाउंट्स को इक्वल कर रहे हैं किसके बेसिस करंट अकाउंट ओपन करते हुए. तो पहले आपको क्या निकालना है क्लोजिंग बैलेंस निकालना होगा पी और आर का. तो पी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल देखो कितना आ रहा है 15,000 प्लस 3,300 18,300 प्लस 9,000 27,300. तो अगर मैं पी की बात करूँ तो मैं अभी रफली लिख रही हूँ यहाँ पे पी का आ रहा है मेरे पास 27,300. उसके बाद मैं आर की बात करूँ तो 10,000 प्लस 1,100 11,100 प्लस 3,000 14,100 मेरे पास किसका आ रहा है आर का आ रहा है. ठीक है ये आ रहा है इस साइड से टोटल. अभी मुझे बैलेंस निकालना है तो 27,300 माइनस 13,500 प्लस 600 14,100. तो अब इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर करते हैं हम लोग. वर्किंग नोट में मुझे क्या चाहिए सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस. तो वर्किंग नोट बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ पी बैलेंस ऑफ कैपिटल फॉर पी इट इज 27,300 माइनस 14,100 इट कम्स आउट टू बी 13,200. ये तो आ गया पी का. सिमिलरली क्यू क्यू का टोटल आ रहा है 14,100 माइनस दिस साइड वी आर हैविंग 4,700 यस 0,0 14,100 ओके. अब आप दोनों की कैपिटल को ऐड कर लो इट कम्स आउट टू बी 22,600. और ये कैसे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इक्वली. तो इक्वल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो पी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए आपके पास इट शुड बी 1/2 ऑफ 22,600 इक्वल कंट्रीब्यूशन इट विल बी 11,300. इट मीन्स आपके पास पी की कैपिटल एज वेल एज क्यू की दोनों की कैपिटल 11,300 होनी चाहिए 11,300 फॉर पी एंड 11,300 फॉर यूर क्यू. अब मैं अगर देखूँ तो पी की अगर मैं बात करूँ तो पी की कैपिटल होनी 11,300 चाहिए जबकि पी का बैलेंस आ रहा है 13,200. तो पी का तो क्या है एक्सेस है तो एक्सेस को वो क्या करेगा करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेगा. तो कितना एक्सेस है 13,200 माइनस 11,300 इट कम्स आउट टू बी 12 माइनस 3 9 2 माइनस 1 9. तो 1900 तो हमारे पास किसका एक्सेस आ रहा है पी का. क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्यू की क्या आ रही है मेरे पास सॉरी क्यू नहीं आर वी आर हैविंग आर आर की मेरे पास क्या आ रही है डेफिशिएंसी. आर की कैपिटल होनी चाहिए 11,300 बट कैपिटल है कितनी आर की कैपिटल है 9,400. तो आर की क्या आ रही है मेरे पास डेफिशिएंसी कितनी आ रही है 1900. इट मीन्स आपका पी तो क्या करेगा विड्रॉ करेगा पी की कैपिटल रिड्यूस करनी है. तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कैपिटल उसको रिड्यूस करनी है ना पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज करंट अकाउंट. पी के करंट अकाउंट में आपका कौन सा बैलेंस जाएगा क्रेडिट बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ 1900. और क्यू की जो आप एंट्री करोगे क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड क्यू का करंट अकाउंट आप क्या करोगे डेबिट करोगे और क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए कम है कितने से 1900 से. तो अब आप इसकी एंट्रीज करोगे उनके कैपिटल अकाउंट में. तो
तो अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, करंट अकाउंट क्रेडिट, तो पी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखोगे टू पीज करंट अकाउंट, और कितना हुआ है 1900। और क्यू का, आर का आपने, फिर से मैंने क्यू लिख दिया, सॉरी इट इज़ आर, और आर का क्या हुआ है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो आर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय आर्स करंट अकाउंट, ओके। और जो ये मैंने पेंसिल से पहले रफली लिखा था उसको मैं इरेज कर देती हूँ। और आर के करंट अकाउंट की मैं बात करूं तो मेरे पास आर का करंट अकाउंट से कितना आ रहा है 1900, ओके। अब आप क्या निकाल लोगे इनका क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इस साइड का टोटल तो अभी मैंने किया था वही आएगा 15 and 3 1800, 27300 माइनस कितना कर रहे थे हम लोग पहले 14100, और अब 1900 और माइनस हो जाएगा इसमें से, तो मेरे पास कितना बचेगा, इट कम्स आउट टू बी 11300, ठीक है। और टोटल ये हो जाएगा 27300। इधर से अगर मैं टोटल की बात करूँ तो ये कितना आएगा 10000 11100 14100 14 and 15100 एंड 19 16000 16000 माइनस, इट इज 16000, हैव आई डन इट राइट, 1900, 10000 11000 14100 15100 16000 16000, ओके 16000 माइनस 4700, इट कम्स आउट टू बी 11300, टोटल विल बी 16000, यस दिस वन इज द करेक्ट सॉल्यूशन। विद दिस योर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ओके। आपको इस क्वेश्चन में क्या कुछ करना था, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना था, आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वन आई हैव प्रिपेयर द वर्किंग नोट रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, ओके। विद दिस योर सम नंबर 24 इज कंप्लीटेड। 24 का जो इसके ऑप्शन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था वो मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो में दे दिया है। स्टूडेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Thank you, students.